हेलो फ्रेंड्स, मथुरा भोग किचन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ढाबा स्टाइल दाल तड़का। इसके लिए हमने लिया है मथुरा भोग रहड़ दाल हाफ कप, प्याज दो बारीक कटी हुई, टमाटर दो बारीक कटी हुई, घी दो बड़े चम्मच, हींग एक चुटकी, हल्दी एक चम्मच, नमक स्वादानुसार, जीरा 1 टीस्पून, लहसुन 5 से 6 कली बारीक कटी हुई, अदरक 1/2 इंच कद्दूकस करके। सबसे पहले दाल को अच्छे से धोकर आधे घंटे के लिए भिगो देंगे। अब दाल को बॉईल करेंगे। इसके लिए एक कुकर में दाल डालेंगे और इसमें डालेंगे 1.5 गिलास पानी, 1/2 टीस्पून हल्दी और स्वाद अनुसार नमक और मीडियम फ्लेम पर 2 सीटी लगाएंगे। ठंडा होने पर कुकर खोलकर चेक करेंगे दाल पक चुकी है या नहीं। यहाँ आप देखेंगे दाल पक चुकी है। अब इसका तड़का तैयार करेंगे। इसके लिए एक पैन लेंगे, उसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच घी। घी गर्म होने पर हम डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून हींग पाउडर, 4 से 5 सूखी खड़ी लाल मिर्च, 7 से 8 कली लहसुन बारीक कटी हुई और 1/2 इंच अदरक कद्दूकस करके। सभी चीजों को थोड़ा पका लें। फिर इसमें हम डालेंगे 2 प्याज बारीक कटी हुई। इसे 5 से 6 मिनट मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भूनेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक। ध्यान रखना है नमक कम ही डालना है क्योंकि दाल बॉईल करते समय भी हमने नमक डाला था। प्याज भून चुके हैं, अब इसमें हम डालेंगे 2 बारीक कटे हुए टमाटर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया पत्ती और इसे ढककर 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। अब इसमें हम पकी हुई दाल डालेंगे और 3 से 4 मिनट तक बॉईल होने देंगे। गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और दाल को बाउल में निकालेंगे। अब इसमें हम वह एरोमा लाएंगे जो हमें ढाबे वाली दाल में मिलती है। उसके लिए हम एक मिट्टी का दिया लेंगे और उसे गैस पर रखकर गरम करेंगे। जब यह अच्छे से लाल गरम हो जाए, इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घी और 1 पिंच हींग और गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और संसी की सहायता से दिया उठाकर दाल वाले बाउल में डालकर ढक देंगे। 15 से 20 सेकंड के बाद यह दिया दाल में से निकाल लेंगे। लीजिए, तैयार है ढाबे वाली दाल तड़का। इसे गर्मा गर्म रोटी या चावल के साथ सर्व करें। This recipe is presented by Mathura Bhog.